इस बीच बड़ी खबर पटना से आपको बताते हैं, जहां मणिपुर हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिंता व्यक्त की है। वहां रहने वाले बिहारियों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिंता व्यक्त की है। सीएम ने मामले में सीएस आमिर सुबहानी को आवश्यक निर्देश दिए हैं। बिहार वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। मणिपुर के सीएस से बात करके वो सुनिश्चित कराएं कि वहां रहने वाले बिहार के लोग सुरक्षित हैं। राज्य के लोगों की वापसी में भी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। जो वापस आना चाहते हैं उन्हें वापस आने की सुविधा उपलब्ध कराएं। तो वहां हालात तनावपूर्ण हैं, हिंसा की गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वहां रहने वाले बिहार वासियों की चिंता की है। और इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं जानने के लिए सीधे सहयोगी सनी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि हिंसा प्रभावित क्षेत्र में जो बिहार के लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर क्या कार्रवाई हो रही है सरकार के स्तर पर। जी सनी। जी दीपक, मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसको लेकर बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तलब किया है और उन्हें निर्देशित किया गया है कि मणिपुर के मुख्य सचिव से बातचीत करके और बिहारी जो वहां पे लोग रहते हैं, काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और वो अगर आना चाहते हैं और जो लोग उस हिंसा में फंसे हुए हैं उसको लाने की समुचित व्यवस्था की जाए। आपको बता दें कि मणिपुर में मैतई समाज को लेकर जो है काफ़ी नाराज़गी है आदिवासियों में और बहुसंख्यक वो समाज है। कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ जो है हिंसा भड़की है, 8 जिलों में हिंसा भड़की है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि ये जो हिंसा है अगर उग्र रूप ले तो गोली मारने तक का आदेश दिया गया है। लेकिन बिहार सरकार ने इन तमाम फैसलों को देखते हुए, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बिहार के लोगों को आश्वस्त किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल ही जिक्र किया है इसका और कहा है कि इस तरह की जो घटनाएं मणिपुर में हो रही हैं उसमें हमारी प्राथमिकता है कि बिहार के लोगों को कैसे वहां से निकाला जाए, बिहारी लोग जो फंसे हुए हैं उन्हें कैसे निकाला जाए। मुख्य सचिव को स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि वहां के मुख्य सचिव से बातचीत करके सारे मसले को हल करें और लाने की समुचित व्यवस्था की जाए। बिल्कुल सनी, वहाँ कितने बिहार के लोग हैं, किस स्थिति में हैं, हिंसा प्रभावित क्षेत्र में कितने लोग हैं, इससे संबंधित आंकड़े जुटाए जा रहे होंगे? जी जी, आंकड़ों की हम बात कर ले तो सरकार ने अभी इसको लेकर कोई स्पष्ट बयान दिया नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि इन 8 जिलों में लगभग 5-7% हर जिले में वहाँ के आबादी के अनुसार बिहार के लोग हैं और उन लोगों का जो वहाँ पर रहना है वो लंबे समय से है। और ऐसे में आदिवासी समाज और वहाँ के जो लोकल लोग हैं यानी बहुसंख्यक समाज, मैतई समाज है, उन दोनों के विवाद में बिहारी न पिस जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री चिंतित हैं। चलिए, तो अच्छी बात है। और अगर लोग वापस आना चाहते हैं तो सरकार उसके लिए भी व्यवस्था कर रही है, इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। सनी, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो हिंसा प्रभावित क्षेत्र में फंसे बिहार के लोगों